इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो इन्होंने की हर्ट्स ने और बाकी साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, बहुत तरीकों से ईएम वेव को जनरेट करवाया। तो बहुत तरीके की ईएम वेव्स हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, लाइट वेव, ये सब, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, 5-7 तरीके की बड़ी फेमस ईएम वेव्स हैं, इन्होंने जनरेट की और फिर उन्हें अरेंज किया कि किसकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ स्पेक्ट्रम का पार्ट ऐसा है, कुछ ईएम वेव ऐसी हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे कि लाइट, लाइट दिखती है। अब मैं फ़ोन मिलाऊंगा, रेडियो वेव दिखेगी नहीं आपको। तो जो ईएम वेव दिखती हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है। रंग बिरंगी लाइट दिखती है, रेड विबग्योर कलर की दिखती हैं, अलग अलग कलर्स दिखती हैं, ये सब विजिबल स्पेक्ट्रम है। ठीक, मेन पार्ट्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या पार्ट है, पहला पार्ट है गामा रेज। तो पहली टाइप की ईएम वेव क्या है, गामा रेज। जो गामा रेज हैं इनका न्यूक्लियर ओरिजिन है, अंडरलाइन करते जाओ, न्यूक्लियर ओरिजिन है। ये न्यूक्लियर ओरिजिन क्या होता है, आपने रेडियो एक्टिविटी सुनी है। अच्छा, क्या होता है, एक न्यूक्लियस लो, न्यूक्लियस को जैसे यूरेनियम है उसको ब्रेक कर दो, बहुत एनर्जी निकलेगी। तो बेसिकली जब यूरेनियम ब्रेक होता है या कोई भी हैवी एलिमेंट ब्रेक होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है, न्यूक्लियस ब्रेक करना आसान नहीं है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो ये उसका ओरिजिन है। तो इसका क्या ओरिजिन है, न्यूक्लियर ओरिजिन है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, ये इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज है, हाईली एनर्जेटिक है और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही इसको निकाल पाती है, यूरेनियम जैसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसको निकालता है। नेक्स्ट है एक्स रेज, एक्स रेज आर रेज ऑफ अटोमिक ओरिजन। अटोमिक ओरिजन कैसे, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर के नहीं, आउटर के इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करोगे, एनर्जी दोगे, आउटर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, नीचे गिरेंगे, लाइट एनर्जी फेंकेंगे। पर अगर आप बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पड़े हुए शेल्स को हिट करोगे, आसान नहीं है न्यूक्लियस के अंत के बिल्कुल क्लोज वाले इलेक्ट्रॉन्स को हिट करना, वहाँ तो जाना ही, एनर्जी बहुत हाई चाहिए। पर अगर आप उसको बाहर निकाल देते हो, नॉकआउट कर देते हो और फिर वो नीचे गिरते हैं, एक्सरे जनरेट होती है। तो क्या ओरिजन है इसका, न्यूक्लियस को नहीं छेड़ना, अटोमिक ओरिजन है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होना अटोमिक ओरिजन है। क्लियर है, तो ये एक्सरे के बारे में भी मॉडर्न फिजिक्स में कुछ कुछ हिस्सा बताया जाएगा, एनसीईआरटी में नहीं, कॉम्पिटिशन में एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सरे पे। तो एक्सरे साइंटिस्ट ने जब जनरेट किया, तो जब ये जनरेट हुई थी पहली बार, तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था और जनरेट हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक जो एक किसी फुट एक सेंसिटिव पेपर के अंदर चाबियाँ पड़ी हुई थी, कीज पड़ी हुई थी, और उसके ऊपर बाई चांस वो गिर गई थी। वो सारे साइंटिस्ट की अपनी कहानी, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। वो फोटोग्राफिक प्लेट जहाँ कीज पड़ी थी वहाँ पर उसको अफेक्ट कर गई, साइंटिस्ट को समझ में ना आया कि हुआ क्या, रेज तो गिरी हैं और वो पेनिट्रेट भी कर गई कागज के अंदर से, पर क्या हुआ पता नहीं लगा। तो उसने नाम क्या रख दिया, मुझे पता नहीं कौन सी रेज हैं, और पता नहीं को क्या बोलते हैं, एक्सरे। तो आज तक उसका नाम क्या चल रहा है, एक्सरे, हम एक्सरे कराने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये कहानी ऐसी है, लिखा हुआ आपकी किताब में, ठीक है, अदरवाइज वो अपने नाम पे भी रख सकता था, पर एक्सरेज, एक्सरेज काफ़ी देर तक नहीं पता लगा तो लोगों ने एक्सरे नाम रखा। चलो, तो एक्सरेज हैं, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को इनर शेल पे जाके आपने हिट करना है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है और हाई पेनिट्रेशन पावर है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वॉयलेट रेज। अल्ट्रा वॉयलेट रेज क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, लाइट सन से आ रही है, अल्ट्रा वॉयलेट रेज है। अब आप सोचेंगे ईएम वेव सन से कैसे आ रही है, मतलब सन के अंदर मशीन लगी है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की, कि साइनोसाइडल, साइन की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक अपने आप जनरेट होगा और फिर यहाँ तक लाइट आएगी। हाँ, ऐसा ही है, वो क्यों है, ये नेचर है। देखो वहाँ पर चार्जेस ऑसिलेट होते हैं, वो ऐसे ऑसिलेट करता है सन के अंदर, चार्जेस ऐसे ऑसिलेट हो रहे हैं कि वो साइनोसाइडल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। आप कमाल कीजिए, देखो साइनोसाइडल है और मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल है, और दोनों के दोनों ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं और हर तरफ जा रहे हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ पूरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो ये कमाल की चीज़ है, एनर्जी ट्रेवल होकर आ रही है, ठीक है, और साइनोसाइडल आके आ रही है। आगे तो अल्ट्रा, ये सब क्या है, अल्ट्रा वॉयलेट, इन्फ्रारेड, ये सन से तो आ रहे हैं, ये सब साइनोसाइडल वेरिएशंस हैं। तो दीज रेज आर पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम एंड आर प्रोड्यूस बाय, ये लैब के अंदर प्रोड्यूस भी की जा सकती हैं, सोलर स्पेक्ट्रम का पार्ट तो है ही है। कैसे, आर्क ऑफ मर्करी एंड आयरन, आर्क कैसे, जैसे
वेल्डिंग वाले देखे हैं, वो दो आर्क लेके बैठे होते हैं, वेल्ड करते हैं आँखों में, एकदम वो लगाना पड़ता है चश्मा, अल्ट्रा वॉयलेट रेज निकलते हैं, वो आर्क है बिजली के आर्क। तो आप क्या आर्क लोगे इसमें? मरकरी और आयरन के लोगे तो अल्ट्रा वॉयलेट रेज निकलेंगी। आयरन लोहे से तो वैसे निकलती है, पता ही है, लोहे की तो वेल्डिंग करते हैं वो स्टिक लेके, तो अल्ट्रा वॉयलेट रेज आँखों को खराब करती हैं, तो चश्मा लगाते हैं। दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई पासिंग डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन एंड ज़ीनॉन फ्रीक्वेंसी, आपको ये गिवन है। विजिबल लाइट नैरो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये कैसे? अटोमिक एक्साइटेशन, आप आखिरी के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करोगे, नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? लाइट जनरेट होती है, सबको मालूम है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या? इंफ्रा, इंफ्रा आर हीट है, ये हीट करो करेक्शन, हीट रेडिएशन हैं, ये हीट रेडिएशन हैं। तो ऑल हॉट बॉडीज आर सोर्स ऑफ हीट जनरेशन। आप अभी तवा गर्म कर लो खाना बनाने के लिए, देखो सेक आएगा, वो सेक क्या है? इंफ्रा रेड रेज है, वो अपने आप ही जनरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो 60% ऑफ सोलर रेडिएशन क्या है? हीट है। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रोवेव ओवन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अंदर ऑसिलेटर लगा होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर में एनर्जी ट्रांसफर की जाती है और वो अंदर ऐसे ऑसिलेशन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे साइनसॉइडल जनरेट करता है कि अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और खाने भी गिरता है, और ऐसी वेव जनरेट होती है माइक्रोवेव जो खाने को क्या कर देती हैं? गर्म करती हैं। तो LC ऑसिलेशन जो हैं इनका सोर्स है। रेडियो वेव भी एग्जैक्टली सेम है, हमारा फ़ोन है, फ़ोन के अंदर आप फ़ोन मिलाते हो, अंदर क्या है? एंटीना, एरियल लगा होता है एंटीना, एंटीना अपने आप वाइब्रेशन जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल जनरेट करता है, वो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और रेडियो वेव पैदा हो जाती हैं। तो हमारा जो फ़ोन है, जो बात है, वो रेडियो वेव में मिक्स कर देते हैं और 3×10 की पावर 8 से आप बात कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इतनी तेज चल रही है ये, ठीक है। तो ये इसके क्या है? ये सोलर स्पेक्ट्रम है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?